गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री द्वारा कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने के बाद आम जनता को हार्दिक बधाई दी है। लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग प्रतिदिन गोरखपुर और पूर्वांचल से इस एयरपोर्ट द्वारा पूर्वांचल में आएंगे। इसके लिए सदर सांसद रवि किशन ने पूर्वांचल के लोगों को बधाई दी। कुशीनगर एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। यह यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसमें पूर्वांचल का समग्र विकास होगा और पूर्वांचल में रोजगार और विकास का एक द्वार खुलेगा। सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि बधाई देने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कुशीनगर और आसपास के जनपद के आम जनमानस बम बम हो गए हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। जेवर के बाद अब कुशीनगर में तो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में होंगे। पूर्वांचल में कुशीनगर में आने से आप लोग समझ सकते हैं बिजनेस टूरिज्म और जो अनगिनत बुद्धिस्ट लोग जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आते थे और बैंकॉक से थाईलैंड से खाड़ी देशों में हमारे यहाँ के ईस्टर्न यूपी के पूर्वांचल के लोग रहते थे उनके लिए कितना बल मिलेगा। डायरेक्ट फ्लाइट होगी, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा आयात निर्यात होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। कोटि कोटि नमन प्रधानमंत्री जी आपको, धन्यवाद आपने जो सोचा। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन। कुशीनगर के साथ अगल बगल के सारे जिले एकदम, मेरी भाषा में कहूँ तो बम बम हो गया। आपको धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, नमन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।